नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। उन्होंने हैदराबाद पुलिस द्वारा एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनकाउंटर किन परिस्थिति में हुआ, इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देश की भावना के अनुसार अब ऐसी घटनाओं का देश में कोई स्थान नहीं है और पूरा देश ऐसी घटनाओं से शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के पार्लियामेंट कड़े कानून पर विचार करे, चाहे फांसी की सजा हो या कोई दूसरी सजा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए हम सब पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और अकेले पुलिस से मामले नहीं रुकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता को भी जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आगे होना होगा। दिग्विजय चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अभिनंदन समारोह पैतृक गांव चौटाला में आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और दुष्यंत चौटाला का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद पहली बार दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में भागीदारी कर इस हलके का प्रतिनिधित्व किया है और चौटाला गांव के लोग खुश हैं। यही वजह है कि चौटाला गांव में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के साथ साथ महिलाएं भी मुख्य द्वार पर दुष्यंत चौटाला का स्वागत करेंगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कल चौटाला गांव में पधार रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर एक अभिनंदन समारोह गांव की तरफ से, हलके की तरफ से और ज़िले के लोगों की तरफ से चौटाला गांव के मेन चौक में रखा गया है। सिरसा ज़िले के अंदर ये वादा दुष्यंत जी का था कि मैं आपके ज़िले की सत्ता में हिस्सेदारी और वापसी करवाऊँगा। 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे और उसके पश्चात इस ज़िले के लोगों का बड़ा लंबा संघर्ष रहा है और पूर्व की सरकारों ने इस ज़िले को पराये की तरह देखा है। सत्ता में हिस्सेदारी हुई और वापसी हुई तो ऐसे समय पर अपने नेता का स्वागत करने के लिए जो दुष्यंत ने एक गांव के वीर सिपाही की सपूत के तौर पर जो लड़ाई लड़ी प्रदेश के अंदर, उनके हक और हकूक़ की आवाज़ को मजबूत किया, तो आज सारा गांव बड़ा उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित है, जिला उत्साहित है। तो अभिनंदन समारोह उस उपलक्ष्य पर जो है गांव के लोगों ने वहां पर रखा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या के अंदर लोग वहां पर आकर अपने लाडले को अपना आशीर्वाद देंगे और एक तरह से कल चौटाला गांव के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो गाँव के लोगों ने रखे हैं, क्योंकि हरियाणा का अंतिम छोर चौटाला गांव पड़ता है, जहां पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, राजस्थान की सीमा भी लगती है और हरियाणा में चौटाला पड़ता है, तो वहां पे एक ऐसा कल्चर है, वाइब्रेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव के लोगों ने, गांव की महिलाएं गांव के द्वार पर दुष्यंत जी का स्वागत करेंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी। मैं तो आपको भी निमंत्रण देता हूँ कि मीडिया के लोग भी कल वहाँ आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ। नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जिन परिस्थितियों में हुआ वो परिस्थितियाँ तो बाद में पता चलेंगी। देश की भावनाओं के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग इतना ज़रूर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, किसी महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाना, इतना बड़ा गुनाह हो जाना जिससे समूचे राष्ट्र का, सर्व समाज का सिर झुक गया, शर्म से झुक गया। आज एक भारतीय होने के नाते मुझे भी शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे इस भारत माँ की लाडली बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं सड़कों पर, और उसके जिम्मेवार हम लोग हैं और कोई नहीं है। उसमें चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, समूचा 123 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, हम सब लोग इस पे इसके जिम्मेवार हैं। अकेली पुलिस अपराध को नहीं रोक सकती, तो कंट्री एज अ होल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और महिलाओं में सुरक्षा का भाव, समाज की आधी हिस्सेदारी जो भागीदारी उनकी है, उनको सुरक्षा का भाव दें। और उसके साथ साथ, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं भी अदालतों ने करना है, मैं नहीं मानता अदालतों ने, अदालतों के लिए कानून बनाती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन, और वो स्टेट के अंदर होती है विधानसभा। तो विधानसभा और पार्लियामेंट को आज कम से कम ये एहसास हो जाना चाहिए कि
ये जो चल रहा है उन्नाव में हुआ है, आज अभी पता चला कि उस लड़की की भी जान चली गई, ये अगर यूं ही चलता रहा तो मैं मानता हूं कि माँ भारती जिसकी हम पूजा करते हैं फिर जो है ना हम जवाब दे लायक नहीं होंगे। समूचे विश्व में हिंदुस्तान चाहे और कितने मूल्यों में आगे बढ़ता रहे मगर हमारे यहाँ अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो फिर इस भारत माता का भी सम्मान नहीं। निश्चित तौर पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसके अंदर ये भावना ही ना आए कि तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ उन लोगों को भी शाबाशी लोग दे रहे हैं, ऐसा ऐसी भावनाएं आनी नहीं चाहिए क्योंकि कानून पे इतना विश्वास होना चाहिए और कानून लॉ मेकर जो हैं वो हैं पार्लियामेंट में बैठने वाले और वो सही समय आ गया है कि चाहे फांसी की सज़ा की बात चल रही हो चाहे कड़ी से कड़ी सज़ा की बात चल रही हो उस पर सोचना चाहिए मगर इसका गलत इस्तेमाल भी ना हो ये भी हमें सोचना चाहिए।